हम जो करने वाले हैं टॉपिक वो है वेपर प्रेशर. दिस चैप्टर इज फॉर क्लास 12. सो नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट वेपर प्रेशर. बिफोर गोइंग टू द टॉपिक, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. मेरे चैनल का नाम है शौर्या ग्रोवर. आपकी स्क्रीन पर मैंने तरीका दिखा दिया है. मेरे चैनल के नेम के साथ स्टूडेंट्स आपको एक बेल आइकन देखने को मिलेगी. बेल आइकन का क्या रोल होता है, अगर आप उसे प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी कि नेक्स्ट वीडियो डल चुकी है. तो अब हम चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ. व्हाट इज वेपर प्रेशर? जस्ट थिंक फॉर फ्यू सेकेंड्स कि वेपर का मतलब क्या होता है और प्रेशर का मतलब क्या होता है. अब जैसे कि हम वेपर की बात कर रहे हैं, तो मैंने क्या किया, एक कंटेनर लिया. इस कंटेनर के अंदर मैंने लिक्विड ए डाल दिया. अब लिक्विड ए यानी कि ये जो ब्लू ब्लू आपको दिख रहा है, ये जैसे फिल्ड है पूरे लिक्विड से, ये कंटेनर पूरे लिक्विड ए से, क्योंकि मैं अभी कुछ बता नहीं रही भी वो लिक्विड वाटर है या कोई और सब्सटेंस है. तो मैंने लेट किया, अभी लिक्विड ए डाला गया है. अब आप सबको पता होगा सॉलिड के बारे में, लिक्विड के बारे में एंड गैसेस के बारे में. तो आपको ये भी पता होगा भी सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों के केस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे एक दूसरे से अटैच होते हैं या कैसी फोर्सेस होती है उनके बीच में, क्योंकि ये तो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं. फिर सॉलिड के केस में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस डस्टर की बात करती हूँ, इस डस्टर को आप देखोगे ये एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है. मैं इसे सॉलिड क्यों कह सकती हूँ, क्या प्रॉपर्टी है इसके अंदर जो इसे सॉलिड बनाती है? तो स्टूडेंट्स आप क्या कीजिए, एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार सोच के देखिए, मैं इसे सॉलिड क्यों कह रही हूँ या मैं एक वाटर के ग्लास को लिक्विड क्यों कह रही हूँ कि इसके अंदर लिक्विड है. द रीजन इज दी सॉलिड की जो शेप होती है वो फिक्स्ड होती है, डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है. अब डेफिनेट वर्ड का मतलब क्या हुआ, फिक्स, यानी कि देखिए यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं सॉलिड के केस में वो इतने टाइटली हेल्ड होते हैं, मतलब इसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल चिपके हुए हैं, वो एक दूसरे से मतलब हिलने की भी उनके पास जगह नहीं है, इतने टाइटली पैक्ड हैं. तो वो होता है सॉलिड. अब यदि मैं देखती हूँ लिक्विड का केस, लिक्विड के केस में क्या होता है स्टूडेंट्स, वॉटर ले लीजिए फॉर एग्जाम्पल, लिक्विड फ्लोट करता है, यू नो दैट. तो लिक्विड की जो ये प्रॉपर्टी होती है, इसके कारण क्या होता है, जो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो थोड़ी थोड़ी स्पेस में, मतलब थोड़ी थोड़ी दूरी पर मिलते हैं. उनमें जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है वो एज कम्पेयर टू सॉलिड स्ट्रॉन्ग नहीं होती. आप लिक्विड का एग्जाम्पल लीजिए, मान लीजिए ये तो सॉलिड का है, जैसे मैंने ही बनाया एक सॉलिड ऑब्जेक्ट बनाया, इसके अंदर पार्टिकल्स कुछ ऐसे अरेंज थे. अगर मैं लिक्विड के एग्जाम्पल लेती हूँ स्टूडेंट, तो लिक्विड के केस में एक पार्टिकल मान लीजिए यहाँ है, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ, मतलब थोड़ी थोड़ी दूरी पर हमें लिक्विड के पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे. लेकिन अगर मैं गैस की बात करती हूँ बच्चों, गैस के केस में क्या होता है, गैस के केस में यही पार्टिकल्स बहुत फार अवे प्रेजेंट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर एक पार्टिकल यहाँ है तो एक पार्टिकल यहाँ है, फिर एक पार्टिकल यहाँ है. समझ पा रहे हैं, सॉलिड के केस में सारे पार्टिकल्स टाइटली हेल्ड होते हैं, उनके पास मूव करने की भी स्पेस नहीं होती. तो उनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन यानी कि एक दूसरे को खींचने की क्षमता कितनी है, बहुत ज्यादा है. इतना खींचा हुआ है भी वो जा ही नहीं सकता दूसरा पार्टिकल दूर. लेकिन लिक्विड के केस में क्या होता है, ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी सी कम होती है एज कंपेयर टू सॉलिड, क्योंकि एक पार्टिकल यहाँ है तो एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, मतलब ज्यादा दूरी पर नहीं है, पास पास ही है लेकिन सॉलिड के कंपेरेटिवली थोड़ा सा दूर है. और यही अगर मैं गैसेस की बात करती हूँ, तो गैसेस में जो पार्टिकल्स हैं बहुत दूर हैं, तो वहां पर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी स्टूडेंट्स, वहां फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत लेस होगी. तो अब यही हम जैसे लिक्विड की बात कर रहे हैं, इस कंटेनर के अंदर मैंने लिक्विड ए लिया, यानी कि मैं इस चीज की बात कर रही हूँ, यानी कि जो पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल पास पास नहीं है, वो हल्की हल्की दूरी पर है, ज्यादा दूरी पर नहीं है, थोड़े थोड़े दूरी पर है. तो आप देख सकते हो जैसे कि लिक्विड ए है, तो उसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे या उसके मॉलिक्यूल्स, मैं कह सकती हूँ लिक्विड के मॉलिक्यूल्स, यानी कि ये जो मैं बना रही थी ना, ये जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं ये कैसे अरेंज्ड होंगे. अगर लिक्विड ए है तो मॉलिक्यूल भी ए ही लेट किया मैंने, ये ए जो आप देख रहे हैं ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं. अब आप देखिए,
लिक्विड ए मॉलिक्यूल और दूसरे लिक्विड ए मॉलिक्यूल में कितना गैप है बच्चों? क्या ये बिल्कुल साथ साथ चिपके हुए हैं? नहीं, तो ये सॉलिड केस नहीं है, ये लिक्विड केस है, जहां पर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कुछ कुछ दूरी पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो आप देख सकते हो भी इनमें थोड़ा थोड़ा गैप है। अब क्या होता है, वेपर प्रेशर को समझने के लिए हमें दो तरह के मॉलिक्यूल्स का पता होना जरूरी होता है। एक होता है सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स, जिसे मैं सरफेस मॉलिक्यूल्स कहती हूँ, और एक होते हैं बल्क मॉलिक्यूल्स। अब देखिए क्या होता है, अगर कोई कंटेनर में ले रही हूँ, उसमें मैंने लिक्विड डाल दिया, तो कई मॉलिक्यूल्स बच्चों क्या हैं? फॉर एग्जाम्पल, एक ये मॉलिक्यूल है, इसके साथ एक और ए मॉलिक्यूल है। ये ए मॉलिक्यूल इस ए मॉलिक्यूल पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा, इधर वाला भी कोई एक मॉलिक्यूल लगाएगा, इधर वाला भी, ऊपर वाला भी। तो मतलब कि जो बीच में प्रेजेंट है मॉलिक्यूल, उस पे सारी तरफ से फोर्सेस लग रही हैं, वो उसको हिलने नहीं देगा इतना। लेकिन आप ये देखो, सॉलिड के केस में तो वो बिल्कुल ही नहीं हिलने देता, क्योंकि बिल्कुल ही पास पास है। लेकिन लिक्विड के केस में एटलीस्ट कुछ तो गैप पे प्रेजेंट है ना, तो वो फिर भी उस पे फोर्स लगाते हैं भी, वो ऊपर ना उठ पाए, ऊपर ना जा पाए। क्योंकि आप देखो, आप घर में जब चाय बनाने लगते हो या वाटर बॉईल करते हो, तो पार्टिकल्स क्या भाप बन के ऊपर आते हैं ना, वेपर्स बन के ऊपर आते हैं। सेम ही ये कंडीशन है, यानी कि जब मैंने इसको हीट प्रोवाइड की स्टूडेंट्स, तो क्या होगा, ये पार्टिकल्स कोशिश करेंगे भी ये ऊपर क्या हो जाए, इवेपोरेट कर जाए। पर इवेपोरेट कौन से पार्टिकल्स करेंगे? क्या मिडल वाले पार्टिकल्स इवेपोरेट करेंगे, या जो ऊपर प्रेजेंट है सरफेस पे वो पार्टिसिपेट करेंगे इवेपोरेशन में? तो सारा वेपर प्रेशर का खेल इन पार्टिकल्स पे होता है। बल्क मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो मिड वाले या नीचे वाले रीजन में मिलते हैं। अब देखिए, बल्क मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट क्यों नहीं कर पाते, क्वेश्चन अराइज करता है, क्योंकि जो बल्क वाले मॉलिक्यूल्स है, यानी कि जो मिडल और नीचे प्रेजेंट है, उनपे सारी तरफ से फोर्सेस लग रही हैं, तो वो उसे ऊपर उठने नहीं देते। जैसे एक मॉलिक्यूल नीचे प्रेजेंट है, तो उसने नीचे नीचे वाले ने इसको खींच रखा है, इस वाले ने इसको खींच रखा है, इस वाले ने इसको खींच रखा है, मतलब ये वाला मॉलिक्यूल ऊपर उठ ही नहीं पा रहा। लेकिन यही जो यहाँ सरफेस पर, इस लिक्विड के ऊपर वाले सरफेस पे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, इस पे कहाँ से फोर्स लग रही है बच्चों? सिर्फ नीचे से, सिर्फ नीचे वाले मॉलिक्यूल्स इसे खींच रहे हैं। तो ये क्या करते हैं, ये जो मॉलिक्यूल्स ऊपर वाली लेयर पे यानी कि सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, इन्हें बोलते हैं सरफेस मॉलिक्यूल्स। और जब ये इवेपोरेट करते हैं, तो जो इनका वेपर, जो इनका प्रेशर लगता है, उन्हें हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। आप देखिए, मैंने कहा बल्क मॉलिक्यूल्स कभी भी इवेपोरेट नहीं करते, रीजन इज भी उनपे सारी तरफ से फोर्सेस लग रही है। एक मॉलिक्यूल इधर प्रेजेंट है, वो भी उसे खींच रहा है, एक मॉलिक्यूल इधर है, उसे वो भी खींच रहा है, सारे खींच रहे हैं, तो वो ऊपर उठ ही नहीं पा रहा। इवेपोरेशन का मतलब क्या है, वो जो लिक्विड है वो इवेपोरेट करके गैस में कन्वर्ट कर गया। ठीक है, तो आप देखिए कि सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स को कितने मॉलिक्यूल्स खींच रहे हैं, सिर्फ नीचे वाले खींच रहे हैं, या मैं कहूँ उसके साइड वाला खींच रहा है, क्या उसको चारों तरफ से खींच रहे हैं? नहीं। तो इसीलिए सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट करते हैं, और उस टाइम पर जो प्रेशर लगता है उसे बोलते हैं वेपर प्रेशर। अब देखो बच्चों, एक बहुत ही अच्छी चीज समझने के लिए, हमेशा से वेपर प्रेशर कब लगेगा, वेपर प्रेशर एक क्लोज्ड वेसल में लगेगा या वेपर प्रेशर ओपन वेसल में लगेगा, आप इस चीज को बहुत ध्यान से सोचिए। प्रेशर कब लगता है? प्रेशर तब लगता है भी मॉलिक्यूल्स ऊपर गए लेकिन बाहर नहीं निकल पाए, आप समझ पा रहे हो? वो साइडों पे ऐसे पार्टिकल्स, मान लीजिए आप मैगी बनाते हैं घर में, आप पहले पानी को बॉईल करते हैं, हम क्या करते हैं, उसे ढक देते हैं प्लेट से। जब हम प्लेट से ढकते हैं, तो वो पार्टिकल्स ऊपर लाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, वो बाहर नहीं निकल पा रहे, तो तब जो प्रेशर लग रहा है मॉलिक्यूल्स पे भी, वो गैस बन के निकलना चाहते हैं और निकल नहीं पा रहे हैं। बेसिकली वो जो प्रेशर ये सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स एग्जर्ट करते हैं, उसे वेपर प्रेशर कहते हैं। अगर मैं कहूँ ओपन वेसल है, तो मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट करके बाहर निकल जाएंगे, तो कहाँ का प्रेशर लगा, कौन सा प्रेशर लगा, वो तो उड़ ही गए, उड़ गए ना हवा में, इवेपोरेट हुए चले गए, तो कोई प्रेशर ही नहीं है, अपने आप उनको फोर्स लगी नीचे से, वो ऊपर चले गए, हीट मिली चले गए। लेकिन अगर क्लोज वेसल होगा, वो ऊपर तक पहुंच गए, अब और ऊपर नहीं जा पा रहे, क्यों? क्योंकि बंद है कंटेनर, तो वो प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं,
उसे बोलते हैं वेपर प्रेशर, जो प्रेशर सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स लगाते हैं। ठीक है, अब आप डेफिनेशन देखिए, आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। मैंने बोला द पार्शियल प्रेशर क्रिएट एग्जर्टेड बाय एनी वेपर और गैस। अब देखो, पहले ये जो था मॉलिक्यूल, ये लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट था, ये क्या करेगा, इवेपोरेट करेगा तो ये गैस में कन्वर्ट हो जाएगा या वेपर में। तो मैंने क्या बोला, ऐसा प्रेशर जो कोई वेपर या गैस एग्जर्ट करता है ऑन द सरफेस ऑफ एनी लिक्विड और सॉल्यूशन, ठीक है, जो एग्जर्ट करता है सरफेस पे या फिर सॉल्यूशन के अंदर या लिक्विड के अंदर, विच इज वॉलेटाइल। वॉलेटाइल वो होता है जिसके पास टेंडेंसी होती है इवेपोरेट करने की, कन्वर्ट होने की, ठीक है, इन नेचर एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, इस डेफिनेशन को नोट करो, इसे मैं दोबारा समझाऊंगी। इसका रीजन ये है ताकि आपको पहले समझ आए भी वेपर प्रेशर क्या है। मैंने पहले आप कंफ्यूज तो एक बार जरूर हुए होंगे कि मैम आपने कहा भी ये सरफेस वाले जब इवेपोरेट करते हैं तो वो वेपर प्रेशर होता है। अब आप कह रहे हो भी उसको ढक दिया तो वो जब लगता है वो होता है। बात एक ही है, अगर मैं कंटेनर खुला छोड़ दूंगी, ये इवेपोरेट करके चला जाएगा, तो कौन सा प्रेशर, कहाँ का प्रेशर, कोई प्रेशर नहीं लगेगा। प्रेशर तब लगेगा भी जब मैंने बंद कर दिया, वो कोशिश कर रहा है मैं निकलू निकलू निकलू, निकल नहीं पा रहा और साइडों पे चिपक जाता है। समझ पा रहे हो, तो ये प्रोसेस होता है इवेपोरेशन का, और वो जो भाप बन जाती है उसको कहते हैं कंडेंसेशन। ठीक है, तो ये जो इक्विलिब्रियम की बात कर रही हूँ, वो इक्विलिब्रियम वही है जब इवेपोरेशन और कंडेंसेशन का रेट सेम हो जाता है। तो वो चीज मैं आपको आगे बताऊंगी, फिलहाल के लिए आप इस डायग्राम को बनाइए, फिर एक बार आपको मैं शॉर्ट सा रिव्यू देके नेक्स्ट चीज पे चलती हूँ। तो वीडियो को पॉज करना है, इसे ड्रॉ करना है, डेफिनेशन लिखनी है वेपर प्रेशर की। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बोला भी वेपर प्रेशर कहाँ लगता है, एक क्लोज्ड वेसल के अंदर लगता है। ओपन वेसल में क्यों नहीं लगता, क्योंकि जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं वो एस्केप कर जाएंगे, यानी कि बाहर निकल जाएंगे इवेपोरेट करके। इवेपोरेशन मैंने आपको क्या बताया, भी लिक्विड वाले मॉलिक्यूल्स जब वेपर्स में कन्वर्ट हो गए तो वो बाहर निकल गए, एस्केप कर गए, उस केस को मैंने क्या बोला, इवेपोरेशन। और वो क्लोज्ड वेसल में होता है, ओपन में नहीं कर सकते, क्योंकि ओपन में अगर वे एस्केप कर जाएगा तो कौन सा प्रेशर लगेगा, राइट? तो अब देखिए, यहाँ पर है क्लोज्ड वेसल। क्लोज्ड वेसल का मतलब जो ऊपर से ढका हुआ है। अब यहाँ पर मैंने वही से लिक्विड सेम लिया, लिक्विड ए। अगर मैं लिक्विड ए ले रही हूँ बच्चों, तो इसके अंदर मॉलिक्यूल्स भी ए ही होंगे, मानते हैं ये बात। अब जैसे कि मैंने डेफिनेशन में आपको बोला था भी इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाती है, तो यहाँ देखो, ये मॉलिक्यूल ए जो है इसकी टेंडेंसी है भी ये इवेपोरेट करे, मतलब कि ये लिक्विड से वेपर्स में कन्वर्ट हो, है ना। तो अब अगर इसकी टेंडेंसी है, इसकी ये क्षमता है भी ये कर जाए, तो ये क्या करेगा, ये इवेपोरेट करने की कोशिश करेगा करेगा करेगा, ऊपर तक पहुंचेगा, लेकिन ये एस्केप नहीं कर पाएगा। रीजन, क्योंकि ये क्लोज है, ये ऊपर से बंद है, तो ये बाहर नहीं निकल पाएगा। ये इवेपोरेट यहां तक पहुंचेगा, उसके बाद ना हर मॉलिक्यूल साइड पे ऐसे 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 भाप बन जाएगी, क्योंकि उसकी टेंडेंसी थी भी वो लिक्विड से वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए। वेपर्स में कन्वर्ट होके जब वो ऊपर उड़ने लगा तो साइडों पे आ गया भाप की फॉर्म में, ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में। इससे क्या हुआ बच्चों, ये जो ड्रॉपलेट्स की फॉर्म है या ये जो भाप मैं कह रही हूँ, इसे बोलते हैं कंडेंसेशन। तो जब रेट ऑफ इवेपोरेशन, यानी कि उसके ऊपर कन्वर्ट होने की क्षमता लिक्विड से वेपर में किसके इक्वल हो जाएगी, रेट ऑफ कंडेंसेशन के, भाप बनने के इक्वल, मतलब कितने भाप बनती है और कितना वो इवेपोरेट होता है, जब ये दोनों के रेट वो जो इक्वल हो जाएंगे, उसे हम उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, भी उस कंडीशन पे जो ये लिक्विड मॉलिक्यूल ए है, जो इसका प्रेशर होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर। उसे हम क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ मॉलिक्यूल ए। वेपर प्रेशर क्या होता है, वेपर प्रेशर होता है द प्रेशर एग्जर्टेड बाय अ मॉलिक्यूल ए, ठीक है, ऑन इट्स सरफेस व्हेन इट कन्वर्ट्स इनटू वेपर्स। मतलब इवेपोरेशन के टाइम पे जो प्रेशर एग्जर्ट होता है ड्यू टू द क्लोज कंटेनर,
कब होता है? इस्टैब्लिश्ड एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, सो ये था वेपर प्रेशर के बारे में। अब आप सब ये भी कह सकते हो कि मैम फॉर एग्जांपल हम इस कंटेनर की शेप ही बदल दें तो क्या वेपर प्रेशर सेम होगा या डिफरेंट होगा? स्टूडेंट्स, शेप बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वेपर प्रेशर डज नॉट डिपेंड अपॉन द शेप। वो किस चीजों पे डिपेंड करता है, आइए अब हम वो स्टडी करेंगे। वी आर गोइंग टू स्टडी द फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। फैक्टर्स पे चलने से पहले एक चीज आपको और बताती हूँ। अब ये जो वेपर प्रेशर ये मॉलिक्यूल ए एग्जर्ट कर रहा है इस सरफेस से, इसे मैं डिनोट करती हूँ। इस वेपर प्रेशर को मैं लिखूंगी पी नॉट ए। पी के ऊपर नॉट यानी कि जीरो लगाते हैं, ए इसे बोलना हमेशा ऐसे ही है, पी नॉट ए। इसका मतलब क्या है? ये जो प्रेशर है ये प्योर लिक्विड ए का प्रेशर है। अब आप कहोगे मैम प्योर वर्ड क्यों यूज किया? क्योंकि देखो यहाँ पर सिर्फ एक ही लिक्विड लिया गया है, एक ही। अगर किसी केस में, सॉल्यूशन के केस में मैं दो लिक्विड लूं तो वो प्योर तो नहीं होगा ना, वो तो मिक्स होगा, थोड़ा सा ए होगा थोड़ा सा बी होगा, तो वो प्योर नहीं होगा। तो जो उस पे प्रेशर लगेगा वो भी प्योर नहीं लगेगा। तो यहाँ पर जो प्रेशर लग रहा है, वेपर प्रेशर लग रहा है, उसे मैं रिप्रेजेंट करती हूँ पी नॉट ए, जो कि क्या है, प्योर लिक्विड का, प्योर लिक्विड ए का वेपर प्रेशर है। ठीक है, अब हम करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। तो अब आता है फर्स्ट फैक्टर जो कि वेपर प्रेशर को अफेक्ट करता है। सबसे पहला फैक्टर है टेम्परेचर, यानी कि तापमान। टेम्परेचर क्या होता है स्टूडेंट? टेम्परेचर को इंक्रीज करने से पहले या डिक्रीज करने से पहले एक आपसे अच्छा सा एग्जाम्पल आपको बताती हूँ। हम जब छोटे बच्चे होते हैं, मतलब लाइक टाइनी टॉट्स आई एम टॉकिंग अबाउट, तो उन बच्चों को हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम उन्हें उनकी फेवरेट चीज ला के दे देते हैं, या हम उन्हें चॉकलेट दे देते हैं, टॉफीज दे देते हैं, वो उसे खाते हैं, दे डांस, उनको एनर्जी मिल जाती है। मतलब हम अगर हम उन्हें कोई चीज दे रहे हैं जिससे उसे एनर्जी मिल रही है तो वो क्या करेंगे, जंप करने लग जाएंगे, कूदने लग जाएंगे, इंजॉय करने लग जाएंगे, दे विल फील हैप्पी, इधर उधर घूमेंगे। आपने देखा होगा छोटे बच्चों को बहुत क्रेज होता है, तो वो क्या करते हैं, वो छोटे बच्चे जैसे ही उन्हें एनर्जी मिलती है वो कूदने लगते हैं, इंजॉय करने लगते हैं। सेम ही हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। मॉलिक्यूल्स को जैसे ही टेम्परेचर दिया, अब टेम्परेचर कैसे दिया जाएगा, देखिए मान लीजिए मेरे पास ये मेरा कंटेनर है। फिर से एक चीज नोट करनी है, हमेशा क्लोज्ड वेसल लेना है, ओपन वेसल नहीं लेना है। तो कंसीडर दिस बी ए क्लोज्ड वेसल है, इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, फॉर एग्जांपल ये मेरे यहाँ पर मॉलिक्यूल्स थे, मैंने क्या किया इसे नीचे से हीट करना शुरू कर दिया, टेम्परेचर इंक्रीज करने लगे। अब जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज किया, ये जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स हैं, अगेन टेक नोट, मैं सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स की बात कर रही हूँ, नॉट द बल्की मॉलिक्यूल्स, नॉट द बल्क मॉलिक्यूल्स, मिडल वाले मॉलिक्यूल्स की नहीं, जो सरफेस पे प्रेजेंट हैं। अब इन सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स को जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज किया स्टूडेंट, इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, इनकी स्पीड इंक्रीज होगी, इनको एक शक्ति मिल जाएगी भी हाँ अब हम मतलब वेपर्स में कन्वर्ट होंगे। क्योंकि आपने देखा होगा जब भी हीट करते हैं ये वेपर्स में कन्वर्ट होने की इनकी टेंडेंसी होती है, तो ये सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट करने की कोशिश करते हैं। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर दोगे उतनी ज्यादा इन्हें काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, स्पीड मिलेगी, और उतने ज्यादा ये क्या करेंगे, इवेपोरेट करेंगे। जितने ज्यादा ये इवेपोरेट करेंगे यानी कि लिक्विड से ये वेपर्स में कन्वर्ट होंगे, उतना ही ये प्रेशर एग्जर्ट करेंगे। समझ पा रहे हैं आप? मैंने कहा मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो इस लिक्विड को शक्ति मिल गई, एनर्जी मिल गई, ये ऊपर जाने में, ये कन्वर्ट करने में इन्होंने बिल्कुल टाइम नहीं लगाया, स्पीड बढ़ा ली। तो ये क्या किया, ये लिक्विड से वेपर्स मतलब में कन्वर्ट करने की टेंडेंसी बढ़ गई, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, और ये फटाफट से इवेपोरेट करने लगे। तो जितना ये इवेपोरेट करेंगे उतना प्रेशर एग्जर्ट करेंगे, तो जितना प्रेशर एग्जर्ट करेंगे उतना वेपर प्रेशर क्या एग्जर्ट होगा, ज्यादा। तो टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है वेपर प्रेशर के, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स को उतनी ही टेंडेंसी मिल जाएगी, उतनी ही स्पीड मिल जाएगी जैसे ही उसे हम एनर्जी देंगे इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, सो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं कि टेम्परेचर की डिपेंडेंस क्या होती है वेपर प्रेशर पे। व्हेन वी प्रोवाइड टेम्परेचर टू, व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर, ठीक है, ऑफ द मॉलिक्यूल्स बाय हीटिंग इट, द मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड इवेपोरेट्स।
इट कन्वर्ट्स फ्रॉम लिक्विड, लिक्विड से ये वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं एंड देयर काइनेटिक एनर्जी, उनकी स्पीड इंक्रीजेस एंड सो द वेपर प्रेशर ऑल्सो इंक्रीजेस बिकॉज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय देम ऑल्सो इंक्रीजेस. ठीक है, अब हम देखने लगे हैं सेकेंड फैक्टर विच अफेक्ट द वेपर प्रेशर. अब आता है नेक्स्ट फैक्टर जो कि वेपर प्रेशर को अफेक्ट करता है. तो देखिए नेक्स्ट फैक्टर क्या है, वो है प्योरिटी ऑफ लिक्विड. अभी मैंने आपको जो पीछे एग्जांपल दिया था वो प्योर लिक्विड का दिया था, यानी कि उसमें एक ही तरह का लिक्विड प्रेजेंट है तो वो प्योर है. अगर मैं उसमें एक और लिक्विड मिक्स कर देती हूँ, सॉल्यूशन बना देती हूँ, तो वो इम्प्योर कहलाएगा क्योंकि दो सब्सटेंसेस को मिक्स कर दिया. प्योर कब कहलाएगा, जब एक ही प्रेजेंट है. तो प्योरिटी कैसे अफेक्ट करती है वेपर प्रेशर को. प्योरिटी ऑफ लिक्विड में देखिए, द प्योर लिक्विड हैज ऑलवेज मोर वेपर प्रेशर एज कम्पेयर टू सॉल्यूशन. सॉल्यूशन यानी कि मिक्सचर वाले के अंदर एज कम्पेयर टू प्योर लिक्विड, प्योर वाले का ज्यादा वेपर प्रेशर होता है क्योंकि उसमें मॉलिक्यूल्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सीधा इवेपोरेट कर गए. लेकिन सॉल्यूशन के केस में क्या है, कोई मॉलिक्यूल ए का है, कोई बी का है, कोई फिर ए का है, फिर बी का है, तो इस करके क्या होता है, वेपर प्रेशर प्योर लिक्विड का क्या होता है, ज्यादा होता है. इसे नोट डाउन कर लो स्टूडेंट्स, पहले वीडियो को पॉज करके इसे नोट डाउन कर लो. अब देखो थर्ड फैक्टर जो अफेक्ट करता है वेपर प्रेशर को, वो क्या है, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन शेप एंड साइज ऑफ कंटेनर. ये शेप पे या कंटेनर के साइज पे डिपेंड नहीं करता, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए. अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स द नेक्स्ट फैक्टर विच अफेक्ट द वेपर प्रेशर. तो आप इनको मेरे नोट कर लीजिए. अब हम चलते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ. तो नेक्स्ट फैक्टर आता है सरफेस एरिया. अब सरफेस एरिया वेपर प्रेशर को कैसे अफेक्ट करता है. ठीक है, सरफेस एरिया का मतलब कितना एरिया है. मान लीजिए मैंने क्या किया, इतना बड़ा कंटेनर ले लिया और एक इतना छोटा सा ले लिया, लेकिन मैं क्वांटिटी ऑफ वाटर या क्वांटिटी ऑफ लिक्विड, मैं कहूँ वाटर नहीं लेके चलते, हम कोई भी एक लिक्विड ले लेते हैं, इतने बड़े कंटेनर में भी उतना ही लिक्विड डाल रही हूँ और इतने छोटे कंटेनर में भी मैं उतना ही लिक्विड डाल रही हूँ, तो वो किस पे डिपेंड करेगा, क्या वो सरफेस एरिया पे डिपेंड करेगा. नहीं, वेपर प्रेशर सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करता क्योंकि क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस एडेड यानी कि लिक्विड तो सेम ही है, तो जितना इवेपोरेट होगा उतना ही इधर इवेपोरेट होगा, तो सरफेस एरिया से उसका कोई लेना देना नहीं है. तो आप यहाँ बोल सकते हो कि वेपर प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑफ सरफेस एरिया ऑफ कंटेनर. अब कई स्टूडेंट्स के माइंड में आता होगा, मैम अगर सरफेस एरिया ज्यादा है तो मॉलिक्यूल ज्यादा इवेपोरेट करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता. मॉलिक्यूल्स तब ज्यादा करेंगे ना जब हमने पानी ही डिफरेंट क्वांटिटी में डाला है, या मैं कहूँ कोई और लिक्विड ही हमने डिफरेंट क्वांटिटी में डाला है. जब लिक्विड ही दोनों में सेम क्वांटिटी में डाला तो जो रेट है इवेपोरेशन का और कंडेंसेशन का, वो रेट तो दोनों में ही सेम होगा क्योंकि क्वांटिटी ऑफ लिक्विड एडेड इज सेम. इसीलिए जो वेपर प्रेशर होता है वो इंडिपेंडेंट होता है सरफेस एरिया से. अब आता है हमारा लास्ट फैक्टर जो अफेक्ट करता है वेपर प्रेशर को, तो इसे नोट कर लीजिए. तो लास्ट फैक्टर जो अफेक्ट करता है वेपर प्रेशर को वो है नेचर ऑफ सब्सटेंस, यानी कि हम कौन सा सब्सटेंस ले रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं वॉटर लेती हूँ. अब आप देखिए, अगर मैं वाटर लूंगी तो वाटर का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है, कुछ इस तरह होता है. अब देखो इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अकर करती है, यानी कि ये तो एक मॉलिक्यूल है. अब ये हाइड्रोजन किसी और एटम के इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्डिंग शो करेगा. ये एक और H2O से कनेक्टेड है. फर्दर ये वाला मॉलिक्यूल भी क्या करेगा, किसी और के साथ शो करेगा. देखो तो क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है बच्चों, जब एक ये एक जैसे मान लीजिए ये हमारा मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन किसी और मॉलिक्यूल के यानी कि इस मॉलिक्यूल के मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यानी कि ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, बॉन्डिंग शो करता है. ये इसने इसके साथ की तो मैंने डॉटेड लाइन से शो कर दी, तो ये डॉटेड लाइन क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो ये आगे जाके आपको आएगा, टेंशन मत लेना, लेकिन मैं इन डिटेल बता रही थी ताकि आपको पता हो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है. तो अब आप ये देखिए, मैंने बोला भी ये नेचर पे डिपेंड करता है. वाटर के केस में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी क्योंकि एक वाटर मॉलिक्यूल देखो ये नीचे इधर से भी कनेक्टेड है, ये फर्दर इधर भी किसी से कनेक्टेड होगा, ये फर्दर इधर भी कनेक्टेड है एक और H2O से, ये भी कनेक्टेड है. तो
मतलब एक वाटर मॉलिक्यूल बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल से कनेक्टेड है, पकड़ के रखा हुआ है। तो जितना ज्यादा एक मॉलिक्यूल ने दूसरे मॉलिक्यूल को पकड़ रखा है, क्या वो उसे इवेपोरेट करने देगा? नहीं, वो पकड़ के रखेगा। उसकी फोर्सेस इतनी स्ट्रांग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वो उसे जाने ही नहीं देगा, इवेपोरेट करने ही नहीं देगा। तो यानी कि इस केस में वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स एस्केप नहीं कर पाएंगे, मॉलिक्यूल्स लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट ही नहीं हो पाएंगे, इवेपोरेशन ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है वेपर प्रेशर के। सो अगर मैं कहूं भी जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है उतना वेपर प्रेशर क्या होगा? कम होगा। रीजन, क्योंकि मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट नहीं कर पाएंगे। तो अब अगर मैं वाटर और इथेनॉल का केस लेती हूँ, इस केस में वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर वेपर प्रेशर क्या होगा? कम होगा। और इथेनॉल के केस में वेपर प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा। सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू वेपर प्रेशर, यानी कि नेचर ऑफ सब्सटेंस पे वेपर प्रेशर डिपेंड करता है। सो स्टूडेंट्स, इसे पहले नोट कर लीजिए। अब बच्चों, हम देखेंगे डिटर्मिनेशन की वेपर प्रेशर को बेसिकली कैसे इन्होंने कैलकुलेट किया। तो अब हम चलते हैं उस टॉपिक पे। सो हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हम करने लगे हैं मेजरमेंट, मेजरमेंट ऑफ वेपर प्रेशर। स्टूडेंट्स, वेपर प्रेशर को मेजर करने के लिए यहाँ पर एक डिवाइस लगाया गया है। आप देख सकते हैं इसके बीच में क्या है, यहाँ एक कंटेनर टाइप फिट किया जाता है जिसमें लिक्विड है। ये लिक्विड अब क्या करता है, इवेपोरेशन करेगा तो वेपर्स में कन्वर्ट होगा। तो ये जो डॉट्स हैं, ये सारी क्या है, ये वेपर्स को शो कर रहे हैं कि जब लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट होता है और इवेपोरेशन अकर होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बाहर मैंने थर्मोस्टैट बनाया है। ये थर्मोस्टैट किस लिए यूज किया जाता है? ताकि जो टेम्परेचर है उसे कॉन्स्टेंट रखा जाए, अंदर के टेम्परेचर को और बाहर के टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट रखा जाए, इसीलिए थर्मोस्टैट का यूज किया जाता है। ठीक है, मैनोमीटर डिवाइस होता है ये, जो क्या करता है, मेजरमेंट करता है वेपर प्रेशर की। तो अब आप देखिए इसके अंदर हम करते कैसे हैं। जैसे कि मैंने आपको डेफिनेशन में बोला था कि एक इक्विलिब्रियम स्टेज एस्टैब्लिश हो जाती है, यानी कि रेट ऑफ कंडेंसेशन विल बी इक्वल टू रेट ऑफ इवेपोरेशन। तो देखिए सबसे पहली चीज क्या है, थर्मोस्टैट इज अ डिवाइस यूज टू मेक टेम्परेचर कॉन्स्टेंट। मैंने अभी आपको बताया थर्मोस्टैट एक ऐसा डिवाइस है जो टेम्परेचर को क्या करता है, कॉन्स्टेंट रखता है अंदर भी बाहर भी। उसके बाद वो कहता है एट अ पर्टिकुलर स्टेज, एक ऐसी स्टेज राइज करेगी, इक्विलिब्रियम विल बी स्टैब्लिश, एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा जब रेट ऑफ कंडेंसेशन यानी कि भाप बनना इवेपोरेशन के, यानी कि लिक्विड से वेपर में जब वो कन्वर्ट हो रहा है उसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, एट दिस स्टेज, जब ये स्टेज आएगी, रीडिंग ऑफ मैनोमीटर, मैनोमीटर की रीडिंग क्या देगी हमें, वेपर प्रेशर की वैल्यू देगी उस लिक्विड की। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करिए स्टूडेंट, इसे नोट डाउन कीजिए। हाँ जी, हाँ जी स्टूडेंट्स, तो यहीं पर हमारा जो ये टॉपिक है ये फिनिश होता है। आज के इस लेक्चर में हमने वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ा, फिर हमने ये स्टडी किया कि वेपर प्रेशर हमेशा से क्लोज वेसल में कैलकुलेट किया जाता है। उसके बाद हमने देखा कि क्या फैक्टर्स हैं जो वेपर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं। और बच्चों, उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला फैक्टर है, आप उसे स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और लास्ट हमने देखा मेजरमेंट ऑफ वेपर प्रेशर। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, बहुत अच्छी लगी है तो शेयर कर दीजिए, एंड यस, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।